ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 11 महीने बाद कल प्रदेश में फिर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना संक्रमण रोकने संबंधी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज लगना शुरू। अब तक 2,10,000 से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है कोविड वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी में कहा कि छत्तीसगढ़ को उत्पादक भी बनना है और उपभोक्ता भी। और भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि जनता के बीच पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने की जरूरत। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 11 महीने से बंद स्कूल और कॉलेज कल 15 फरवरी से पुनः खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 2 चरणों में खोला जाएगा। इस दौरान स्कूल और महाविद्यालयों की कक्षाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें कक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, साथ ही कक्षाओं में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रहेगी। इस दौरान छात्रों के अलावा शिक्षकों और अन्य स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज भी लगना शुरू हो गया है। इसके तहत जिनको कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है उन्हें दूसरा डोज दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में अब तक 833 लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना टीकाकरण का पहला डोज लगवाने वालों की संख्या 2,10,000 को पार कर गई है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 229 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 53 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 3,08,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 3,01,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 3,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड महामारी के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन ग्रामीण की तरह शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक 2,87,000 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित गतिविधियों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में मिशन संचालक एस प्रकाश ने सभी कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं से कहा कि एकल ग्राम योजना में जिनका सर्वे नहीं हुआ है उन गांवों का सर्वे कराकर डीपीआर बनाने के लिए प्रारूप निविदा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जिले की प्राथमिकता के आधार पर क्लस्टर बनाने के निर्देश दिए, साथ ही निविदा प्रक्रिया 15 मई तक पूर्ण करने के लिए भी कहा। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कल लोकसभा में चर्चा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी में हो रहे अवैध खनिज उत्खनन तथा सागौन तस्करी का मुद्दा उठाया। श्री पांडे ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में लगातार अवैध खनिज उत्खनन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। वहीं विकासखंड मानपुर के तहत तोलूम और नवागांव में नदी की दिशा ही बदल गई है। सांसद ने कहा कि बिना रॉयल्टी पर्ची के अवैध उत्खनन और परिवहन होने से सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। सदन में उन्होंने अवैध उत्खनन और सागौन की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वहीं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया। उन्होंने रेल मंत्री से इस नई परियोजना में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर कार्य में गति लाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कटघोरा से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक 277 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने पूर्व में रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त कार्य एजेंसी बनाई गई थी। साथ ही राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई। दो पालियों में हुई इस परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 1,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा राज्य के 17 जिलों में बनाए गए 347 केंद्रों में हुई। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। 1 उपज खरीद हो या देना हो 1 अधिकार, धान खरीद और रोजगार देने में अव्वल है छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। मिलत है मुस्कावत है चिन गाने हम हन छत्तीसगढ़ी हा हम हन स्वाभिमानी हम हन छत्तीसगढ़ी हा हम हन स्वाभिमानी हाथ लकाम के संसोता जग मन रेगा मा मिलिस रोजगार सपना लाए से उड़ान मिलिस दुरिहावत है परेशानी हम हन छत्तीसगढ़ी हा हम हन स्वाभिमानी हम हन छत्तीसगढ़ी हा सबले ज्यादा बनो बच पिसाना बन आशक ला अधिकार दिला सरकार भूपेश के वादा निभाए महावे बड़ परमानी आवे बड़ परमानी छत्तीसगढ़ी हा हम हन स्वाभिमानी हम हन छत्तीसगढ़ी हा हम हन सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ को उत्पादक भी बनना है और उपभोक्ता भी। उन्होंने कहा कि राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके छत्तीसगढ़ के लोग भी समृद्ध और खुशहाल बने। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में ऐसी अधोसंरचनाएं तैयार की जा रही हैं जिनका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है। श्री बघेल ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में राज्य की सिंचाई क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि कृषि प्रधान राज्यों में युवाओं को कृषि से संबंधित रोजगार के नए अवसरों की जानकारी देने प्रदेश में एग्रीकल्चर के साथ उद्यानिकी वानिकी डेयरी टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग और मछली पालन जैसे विषयों के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक खोलने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने महसूस किया कि प्रदेश में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है, जिसे देखते हुए कांकेर महासमुंद और कोरबा में राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। कोविड के दौरान हमने महसूस किया कि प्रदेश में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है। दुर्ग जिले का चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय निजी क्षेत्र में चलना मुश्किल हो रहा था, उसे हमने अधिग्रहित करने का फैसला लिया है ताकि सरकारी चिकित्सा शिक्षा अधोसंरचना को बढ़ाया जा सके। 3 जिलों कांकेर महासमुंद और कोरबा में हम नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस तरह उच्च शिक्षा के अधोसंरचना में जो अभाव थे उसे पूरा करने और प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने का हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना लाई गई है, जिसके तहत करीब 2200 ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जो सरकारी कार्यालयों को जोड़ती है।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने और लोगों के बीच पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निश्चित संकल्प के साथ संगठन की मजबूती के लिए जुटता है तो बदलाव अवश्य आता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का हमेशा ही संगठनात्मक ढांचा मजबूत रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कोंटा से कोटा और राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक हर क्षेत्र में कार्यकर्ता सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बताया कि प्रत्येक मंडल से सोशल मीडिया में पार्टी की बातों को रखने के लिए कार्यकर्ताओं की पूरी टीम खड़ी की जा रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे। राजनांदगांव के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में कल 15 फरवरी से राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा में प्रदेशभर से करीब 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इधर जांजगीर चांपा जिले में बैडमिंटन प्रतियोगिता के तहत आज सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में 32 जूनियर और 48 सीनियर टीमों ने हिस्सा लिया। उधर दुर्ग जिले में 20वीं छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। स्पर्धा में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामा चरण शुक्ल की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने रायगढ़ में अवैध शराब बिक्री के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं एएसपी और सीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दुर्ग पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख रूपये नकद और 4 लाख रूपये कीमत के स्वर्ण आभूषण जब्त किए हैं। राजनांदगांव जिले के अर्जुनी गांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने ग्रामीणों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में विद्युत लाइन सुधार के दौरान करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य श्रमिक झुलस गए हैं। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना अंतर्गत बेलगांव के पास चारपहिया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और बिलासपुर में 31वां बिलासा महोत्सव आगामी 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11 महीने बाद कल प्रदेश में फिर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना संक्रमण रोकने संबंधी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज लगना शुरू। अब तक 2,10,000 से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है कोविड वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी में कहा कि छत्तीसगढ़ को उत्पादक भी बनना है और उपभोक्ता भी। और भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि जनता के बीच पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने की जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।